तो हम आ गए हैं दीदी के, फाइनली दीदी के घर। तो दीदी का आटा थोड़ा गीला हो चुका था, पर दीदी ने फिर भी काफी अच्छी पूड़ियाँ बनाई। ये देखो मसाले वाली पूड़ियाँ, फूली फूली। मैं गोविंदगढ़ जयपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आके बिल्कुल लगा ही नहीं भैया, और कि मतलब ऐसे लग रहा है कि पहले से जानते थे। भाभी हमारे गाँव में रहते, हम दिल्ली है, पुराना गाँव है हमारा जयपुर। भैया दीदी हेलो गाइज, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और अभी आप देख पा रहे हो हम गाड़ी में हैं, और अभी हम क्वार्टर के जस्ट बाहर ही निकले हैं, क्योंकि आज इनके ऑफिस फ्रेंड ने इनको खाने पे बुलाया है, जो हमारे पास में रहते हैं कनॉट पैलेस के पास में। तो हम वहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, और आपको भी पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि इनके फ्रेंड के घर वगैरह कहाँ पर है, वो कैसे हैं, तो आपको पूरा दिखाएँगे। तो ये भी रेडी हो चुके हैं और हम निकल गए हमारे क्वार्टर के बाहर। तो ये गाड़ी चला रहे हैं, और ये देखो ये आगे बैठता है, इसके पापा के पास, पीछे नहीं बैठता अभी ये। तो ये हमारे बाहर का एरिया है, ये देख सकते हो आप। तो आप ब्लॉग में बने रहे, हम आपको पूरा दिखाएंगे, और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हो, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। तो बने रहे ब्लॉग। ये भी पीछे आ चुका है मेरे पास, क्योंकि इसको मेरी याद आ चुकी है, और अभी हम रास्ते में ही हैं। तो आप देख सकते हो दिल्ली, कल ही बारिश आई थी दिल्ली में, और अभी ये 12 खंबा फ्लाईओवर है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। कल ही बारिश आई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूखा सूखा। तो हम कनॉट पैलेस में एंट्री कर चुके हैं, और आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। अभी आने वाला है कनॉट पैलेस, उनके पास में ही उनका घर। तो ये देख सकते हो कनॉट पैलेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। बहुत यहाँ इसमें बहुत अलग अलग तरह की शॉप है, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ से पूरा कनॉट पैलेस, जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कनॉट पैलेस के बारे में, और जो नहीं रहते आपको हम बता ही रहे हैं। अगर आप दिल्ली आओ ना कोई भी, तो कनॉट पैलेस ज़रूर आना। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं, क्वार्टर है, वो भी क्वार्टर में ही रहते हैं। तो ये देखो ये उनकी कॉलोनी है, पूरी सोसाइटी है, और आपको दिखाएंगे अभी अंदर से भी। अभी हम गाड़ी पार्किंग लगा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, देख सकते हो आप। तो हम आ गए हैं दीदी के, फाइनली दीदी के घर। तो दीदी आपको होम टूर कराएगी इनका। तो यहाँ से एंट्री है दीदी घर की, ग्राउंड फ्लोर है। तो ये इनके एंट्री हॉल है, मंदिर वगैरह है दीदी के, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है। और मंदिर के बाद में आ जाता है किचन, तो बहुत अच्छा किचन है दीदी और का, देख सकते हो। और ये हॉल आ गया दीदी का। तो काफ़ी अच्छा लगा, हमने मतलब नाश्ता पानी कर लिया, दीदी ने चाय वगैरह सब खिलाए थे, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, हम बातें बातें करने लगे थे। तो अब मैं फ्री हुई तो आपको होम टूर करा रही हूँ दीदी। और ये बेडरूम आ गए, तो ये दीदी का बेडरूम है, काफी देख सकते हो। तो मैं और दीदी रील्स भी बनाएंगे, अभी दीदी रेडी होगी, रेडी नहीं हुई, तो हम खाना वाना खा के फिर रील्स वगैरह बनाएंगे। और ये देखो क्या नाम है बेटा आपका, क्या नेम है, नेम बताओ। हाय करो, हाय, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, छोटा सा फोन, छोटा सा। हाँ बेटा आप बड़ा लाना, ठीक है, आप बड़े होगे ना। मेरी मम्मी का देखना एक बेटा गोल्डन है। ना ना, ठीक है बेटा, ठीक। तो हम आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। आईफोन, आंटी जी के पास आईफोन है। तो हम थोड़ी देर में रील्स वगैरह बनाएंगे, तो दीदी तैयार होगी, तो जब मिलते हैं आपको। आंटी ये देखो, आंटी जी। ओ वाह, कितना बड़ा फोन है, ठीक है। दीदी आप मेरी वीडियो देखते हो, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगा दीदी मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं। और दीदी आपका ब्लॉग चैनल, यूट्यूब चैनल है, हाँ जी यूट्यूब चैनल, क्या नाम से है, संतोष मानतवाल के नाम से है, और मेरी इंस्टा आईडी भी है संतोष मीना के नाम से है। तो दीदी को जल्दी से फॉलो करो इंस्टा पे, इधर आओ दीदी, तो दीदी को जल्दी से फॉलो करो इंस्टा और यूट्यूब पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और हम दोनों की रील्स और वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो आप वेट करें थोड़ा।
दीदी यहाँ पे पूड़ी बना रही है तो मैं भी हेल्प कर देती हूँ। दीदी क्या बनाया आपने? पनीर, पनीर मटर की सब्जी है, रायता है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी दीदी की हेल्प करा देती हूँ। तो दीदी का आटा थोड़ा गीला हो चुका था पर दीदी ने फिर भी काफ़ी अच्छी पूड़ियाँ बनाई है। देखो मसाले वाली पूड़ियाँ फूली फूली, तो मुझे तो पानी आ रहा है मुँह में देख के, इतना टेस्टी खाना लग रहा है। तो दीदी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, देख के ही लग रहा है और खाने में तो और भी टेस्टी होगा। तो बस अभी खाने बनने वाला ही है, फिर मिलते हैं आपसे। तो हेलो गाइज, आज हम आए हैं मनोज जी के घर। मनोज जी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरे ऑफिस में ही हैं। तो मनोज जी से मैं आपसे बात कराता हूँ, मिलाता हूँ। नमस्कार सभी का। तो मनोज जी आप कहाँ से हो, सबको बताओ। मैं मनोज कुमार, मैं गोविंदगढ़ जयपुर का रहने वाला हूँ और सर के साथ ही यहाँ मिनिस्ट्री में वर्किंग हूँ। तो मनोज जी आपका घर काफ़ी अच्छा लगा हमें, और आप भी हमारे घर आना कभी नेक्स्ट टाइम आओ तो। आपका सौभाग्य प्राप्त हो गया, निकाल के हमारे यहाँ आए। वो तो सीता है, सीता भी आई है। सीता कैसा लगा यहाँ पे आके? बिल्कुल लगा ही नहीं भैया, और कि मतलब ऐसे लग रहा है कि पहले से जानती थे। दीदी का नेचर, भैया का नेचर काफी अच्छा है। हाँ अच्छा लगा, मनोज जी आएंगे हमारे घर। पहले से ही जानते थे एक दूसरे को, घर नहीं आना हुआ। लगा ही नहीं कि मतलब जानते। अरे मनोज जी का नेचर बहुत अच्छा है, जब से मनोज जी का जो बिहेवियर बिल्कुल सॉफ्ट एकदम पोलाइट, मतलब बढ़िया। चलो मनोज जी सर अच्छे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि मैं भी ठीक हूं। अभी दीदी और मैं वीसी बनाएंगे तो हम घूमने भी जाएंगे, तो आपको सब दिखाएंगे। चलो आप आगे का प्लान बनाते हैं फिर। हैं हमने बना लिया दोनों ने, बना लिया। चलो मनोज जी यार अपने लिए सरप्राइज कहाँ चल रहा है, देखते हैं कहाँ रिवील होता है। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया गेट चलो, इंडिया गेट के सामने अच्छी रील बनेगी दोनों की। और मनोज जी क्या है, बहुत अच्छे कैमरा मैन है। तो हमने पूरा खाना खा लिया, हमने वीडियो नहीं बनाया फिनिश करके, अब याद आया हमें वीडियो बनाने का। तो हमने पूरा खाना खा के अब हम निकलने वाले हैं बाहर। और दीदी इधर काम कर रही है किचन का। तो काफ़ी अच्छा खाना लगा हमें दीदी का। मैं दीदी को बोल रही हूँ कि यूट्यूब चैनल खोल लो, इतना टेस्टी खाना बनाती हो आपकी कुकिंग का अलग से, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है दीदी। मसाले वाली पूड़ी और भी मिठाई वगैरह बहुत कुछ था, बट हम भूल गए खाने के चक्कर में। तो आप बहुत अच्छा लगा हमें खा के, और इधर खाना खा रहे हैं। तो दीदी भी फाइनली रेडी हो चुकी है, और देखो दीदी की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है दीदी। देख फाइनल लुक दिखाओ अपना, घूम के बताओ दीदी। तो ये देखो दीदी चोमू साइड के है, तो इनके मतलब अलग ड्रेस पहनते हैं और बहुत ही प्रिटी लग रही है दीदी। तो अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं अपन? नेहरू पार्क। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, चलो आ जाओ। सेंट्रल पार्क पे चलेंगे, वहीं के भी खाएंगे। आपको बहुत सारी वीडियो देखने मिलेगी हमारी, तो आप ज़्यादा लाइक और शेयर करें, आ जाओ। और ये बच्चा भी सो के उठ चुका है यहाँ पे। हाय हाय, क्या दिया है आपको भैया ने? गाड़ी बैठ चुके हैं, निकल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? नेहरू, वहाँ पे जाके हम रील्स वगैरह बनाएंगे। तो अभी हम इंडिया गेट के पास से घूम रहे हैं, और ये भैया वगैरह है। ये हमारा पुराना ऑफिस है, बीजी ऑफिस निकल गया यार, मैंने दिखाया नहीं। ये तो इनका तो चैनल हो गया, लेके आया था जो बोले वैसे था वो भी लेके गया था बिल्डिंग में। ये एरिया कितना अच्छा है ये, है ना? तो ये शांतिपत एरिया है, यहाँ पे सारी जितनी भी एम्बेसी वगैरह सब यहीं पे है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है, साथ ही मनोज भाई साहब बैठे हुए हैं। कौन सा एरिया है? चाणक्यपुरी एम्बेसी एरिया शांतिपत। पहुंच गए हैं, ये देखो सामने लिखा भी है नेहरू पार्क। तो फाइनली हम अभी नेहरू गार्डन में आ चुके हैं, और पीछे हमारे सीता है, दीदी है और भाई साहब है। और आप देखो ये कितना प्यारा गार्डन है। और हम फाइनली नेहरू गार्डन पहुंच चुके हैं, और बहुत ही अच्छा सीन है, आप देख रहे हो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और हम घूमने लग रहे हैं सब। घूमो दीदी,
बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हम ये देखने जा रहे हैं, यहाँ पे पानी के झरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे देखने जा रही हूँ क्योंकि मैंने इतने पास से कभी देखा नहीं इतना झरना। और अभी शाम हो चुकी है तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो सामने कितना अच्छा व्यू है, उधर देखो आप, चलो। वाओ, और आपको टाइमिंग बता देती हूँ मैं, देखो कितना अच्छा व्यू है। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इधर लोटस है, फ्लावर है वाइट कलर के, उधर भी रील बना रही है, काफ़ी लोग रील बना रहे हैं उधर भी। इधर दीदी है, शिवानी दीदी। तो अभी डांस की प्रैक्टिस चल रही है। तो हेलो गाइज, अभी हमें नेहरू गार्डन में हमारे जयपुर के एक संगीतकार मिले हैं। जैसे भाभी हमारे गांव में रहते हैं, हम दिल्ली है, पुराना गांव है हमारा जयपुर, सिक्कर में भी अपना गांव है, अपना खास गांव सिक्कर है। अच्छा अच्छा, श्याम बाबा का जो खाटू श्याम है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं, तो इसकी ढोलक पे अभी सीता और दीदी दोनों नाचेंगे। तो आप कौन सा गाना गाओगे? वही क्या, वही। चलो तो आप सभी ब्लॉग के साथ, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये देखो ये दोनों भैया दीदी, बच्चा है, वोटर है साथ में, और हमारे उधर लेके घूम रहे बच्चे को। बड़ी मेहनत लगती है रील शूट करने में। से मिले हैं, उत्तराखंड से हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी है, प्रदीप जी आप ही मैसेज है ना? प्रदीप जी मैसेज भी वहाँ पे, तो उनकी मैसेज का वीडियो आएगा हमारे साथ में। तो काफ़ी अच्छा इनका बिहेवियर है, हमें बहुत अच्छा लगा कि पहली बार में मान गए हमारे साथ में वीडियो बना रहे हैं। जी, तो हम राजस्थान से। जी, हम उत्तराखंड के हैं। हमारा पेज है माई शिवानी मीणा के नाम से, आपको कर देंगे। ठीक है, तो हम मैंने और दीदी ने बहुत सारी रील्स वगैरह शूट कर ली यहाँ पे। और ये नेहरू पार्क बहुत ही अच्छा पार्क है, और यहाँ की लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो नेहरू पार्क जरूर आना। और अभी हम बीचों बीच खड़े हैं इस पाउंड के बीच में, बहुत ही अच्छा है। साइड में देखो कमल वगैरह हुए हैं इसमें, बहुत अच्छा है। दीदी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहले तो गर्मी का मौसम हो रहा था, अब अच्छा हुआ मौसम। और हम दोनों ने ही यहाँ पे दिल्ली में लहंगा चुन्नी पहन रखा है, तो सब हमें देख के जा रहे हैं, बट हम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्योंकि हम दोनों जयपुर से हैं। और हमारे पहनावे पे किस चीज़ की शर्म? हम राजस्थान के हैं, तो हम प्राउडली आए हैं यहाँ पे और अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। और आपको हमारी वीडियो, हमारे साथ एक पहाड़ी भी आई, हमारे साथ रील वगैरह काफ़ी बनाई, हमारी अभी आई थी पहाड़ी, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ रील वगैरह बना के। तो हमें 5 बज चुके हैं, अब हम यहाँ पे आए थे 3 बजे, तो हमें 2 घंटे हो चुके हैं रील्स बनाते हुए। और वहाँ पे देखो कितनी सारे स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सीन है, पानी चल चुका है, तो ठंडक भी हो गई है। यहाँ पे रील्स बनाएंगे हम इनके सामने, 5 बजे से 10 बजे तक ये फवारे चलेंगे। यहाँ पब्लिक दूर दूर से आप देखिए बैठना शुरू हो गई, अब इसका आनंद लेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आए वो सब इसको देख के यहाँ के आज का टूर का विजिट करेंगे सब। तो हम सही टाइम पे आए मतलब। हाँ, आज का सही वक्त है हमारे लिए, हमारे जाने में अभी वक्त है थोड़ा, तो जाते जाते एक मनोरंजक रील बना के फिर निकलेंगे यहाँ से। कौन सा गाना है? मुझे दो में सॉन्ग चला दे। हमने बहुत सारी वीडियो बना ली है, शूट कर लिए, और हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में गाड़ी के पास, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। और काफ़ी अच्छा लगा दीदी और भैया से मिल के, इनके साथ वीडियो बना के, और इनका नेचर भी बहुत ही अच्छा है। तो अब दीदी और भैया आएंगे हमारे क्वार्टर पे, तो आप ज़रूर आना। और दीदी को, दीदी जी मैंने मेहनत देखी, दीदी बहुत ही अच्छा डांस करती है और बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती है, तो आप दीदी को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टा पे सपोर्ट करिए। संतोष मीना आईडी है इनकी, तो दीदी को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए। और दीदी आप बताओ आपकी आईडी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष मीना है, मेरी आईडी है यूट्यूब पे संतोष मणतवाल के नाम से, और इंस्टा पे है संतोष मीना के नाम से, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। और दीदी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, रील्स बना के वीडियो बना के, लगा ही नहीं कि हाँ मैं किसी और के साथ हूँ, अपनी दीदी, बड़ी दीदी के जैसा लग रहा है। और दीदी के मतलब
कंटेंट कॉमेडी भी है और डांस की वीडियो भी आपको मिलेंगे, तो आप इनकी आईडी एक बार खोल के देखें, बहुत अच्छी आईडी मिलेगी आपको, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती होंगी। तो अब चलते हैं यहाँ से गाड़ी में, तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, तो अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें।